नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज हम सभी एक बहुत ही बेहतरीन फेस पैक के बारे में जानते हैं। सिर्फ एक बार आपको लगाना है काली मिर्च का फेस पैक, दाग धब्बे आपके मिनटों में दूर हो जाएंगे। यही है आज का टॉपिक। पूरा एपिसोड आप सभी अवश्य सुने ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नई जानकारी सबसे पहले मिले। और वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच पाए। आइए आज के टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि काली मिर्च का इस्तेमाल सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सौंदर्य के लिए भी किया जाता है? जी हाँ, अगर आप इस बात को सुनकर के हैरान हो गए हैं तो जान लीजिए कि काली मिर्च सिर्फ खाने में ही इस्तेमाल नहीं होती है बल्कि कई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। काली मिर्च में इतने सारे गुण मौजूद होते हैं कि ये आपकी त्वचा को सुंदर बनाए में मदद करता है। घर पर काली मिर्च का फेस पैक बनाने से भी आप दाग धब्बे और अन्य चर्म रोगों की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अक्सर खाने में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों के गुण यदि हम सही तरह से जान लें तो शायद ये हमें कई तरह के लाभ पहुंचा सकते हैं। काली मिर्च किचन में आसानी से मिलने वाला एक ऐसा ही फायदेमंद मसाला है जो त्वचा से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। चेहरे पर इसका इस्तेमाल आप कई तरह से कर सकते हैं। इसे पीस करके आप अपने फेस पैक में मिलाएं तथा स्क्रब के तरह प्रयोग करते हुए चेहरे की गंदगी और मैल को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही गुणकारी औषधि के रूप में ये कार्य करेगा। इसके अलावा शहद और काली मिर्च से बना हुआ फेस पैक मुहासों की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। आप इसे कई तरह से लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बनाते हैं काली मिर्च का फेस पैक। फेस पैक ये लाजवाब होता है। इसके लिए सामग्री नोट कीजिए। आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून दही ले लीजिए। अब कैसे अप्लाई करना है? दोनों सामग्रियों को एक साथ तब तक मिलाइए जब तक यह पूरी तरह से घुल न जाए। तैयार पेस्ट को चेहरे पर लगाइए। कुछ समय रखने के बाद गुनगुने पानी से चेहरे को धो लीजिए। इससे न सिर्फ आपको ताजगी का एहसास मिलेगा बल्कि चेहरे पर उम्र के निशान होंगे तो वो भी हल्के हो जाएंगे। इस पेस्ट को किसी भी मौसम में अप्लाई किया जा सकता है। इसको किसी खास मौसम की जरूरत नहीं है। अब दूसरा तरीका जानिए। 1 टीस्पून शहद ले लीजिए और आधा टीस्पून इसके लिए आप काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए। अब कैसे अप्लाई करना है? सारी सामग्री को एक साथ मिला लेना है, इन दोनों को आपस में अच्छे से। इसके बाद इस मास्क को चेहरे पर हल्के हाथों से लगाना है। आधे घंटे फेस पर रखने के बाद गुनगुने पानी से इसे धो लेना है। चेहरे पर इसका लेप लगाने से आपको इंस्टेंट निखार मिल जाएगा, यानी कि ये चेहरे के लिए बहुत ही गुणकारी है। अब अगला प्रयोग जानते हैं। 3 बूंद आप ले लीजिए काली मिर्च ऑयल और 100 मिलीलीटर बॉडी क्रीम या लोशन ले लीजिए। अब कैसे अप्लाई कीजिए? रोजाना सुबह शाम इन दोनों सामग्रियों को आपस में मिला करके उन हिस्सों पर लगाइए जो त्वचा की रंगत से ज़्यादा डार्क हैं, वो फेयर होकर के और त्वचा के रंग में आने लगेंगे। गुणकारी काली मिर्च। एक रिसर्च के अनुसार काली मिर्च से पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्राव बढ़ता है जिससे लूज मोशन, पेट दर्द और कब्ज को रोकने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह वजन कम करने में भी मददगार है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर कार्य करती है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि है, तो इसका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। दैनिक रूप से आप 1, 2 या 4 तक काली मिर्च खा सकते हैं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तीखी होती है लेकिन हमारे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। कैसा लगा ये एपिसोड आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो हमें लिख भेजें। हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियोज अवश्य बनाएंगे। वीडियो को एंड तक आप सभी ने देखा, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य कीजिए ताकि अन्य जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच पाए। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।